प्रीमियर लीग रोमांच के साथ साथ विवादों से भी भरा हुआ है। अपने पहले सीजन से दुनिया के सबसे बड़े टी20 लीग में रोमांच और विवाद साथ चल रहे हैं। अब आईपीएल के 12वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अचानक से उस वक्त चर्चा में आ गए जब वो अंपायर के एक फैसले पर अपना आपा खो बैठे। आईपीएल के 12वें सीजन के 25वें मैच में राजस्थान और चेन्नई के बीच खेले गए मैच में अंपायर के एक फैसले से धोनी इतने आग बबूला हो गए कि पवेलियन से दौड़कर मैदान में आ गए, जिसके बाद मैच रेफरी ने उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया। लेकिन धोनी इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे अगर वही अंपायर जिससे धोनी ने बहस की थी माही का बचाव न करता। एक न्यूज एजेंसी से इस विवाद से जुड़े शख्स ने बताया कि मैच के लेग अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड के बयान के बाद ही धोनी पर सिर्फ मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया, वरना धोनी और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में इसकी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक मैच के बाद जब सभी लोग मैच रेफरी के कमरे में मिले तो ऑक्सनफोर्ड ने यह साफ कर दिया था कि वो चेन्नई के कप्तान धोनी के मैदान पर आने और नो बॉल के बारे में चर्चा करने को लेकर बुरा महसूस नहीं कर रहे हैं। दरअसल आईसीसी की आचार संहिता के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी अंपायर के फैसले पर उंगली उठाता है और उससे बहस करता है तो उस पर एक टेस्ट या दो वनडे का बैन लग सकता है। अब जबकि महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं तो इस प्रावधान के तहत ये बैन उनके वनडे मैचों पर लागू होता है। आईपीएल का 12वां सीजन 12 मई को खत्म हो रहा है, जिसके ठीक बाद 30 मई से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। ऐसे में अगर एम्पायर ऑक्सनफोर्ड धोनी का बचाव न करते तो इस हरकत के लिए उन्हें मैच बैन की सजा भी हो सकती थी, जिसका खामियाजा वर्ल्ड कप के दौरान 5 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच और 14 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले दूसरे मैच में टीम इंडिया को भुगतना पड़ता।